हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चिकन लॉलीपॉप। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारे लॉलीपॉप बनकर तैयार हैं। एक लॉलीपॉप मैं आपको खा के दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छे से पक चुका है अंदर से। दूसरा लॉलीपॉप मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ ताकि आप देख पाओ, ये देखिए कितने अच्छे से अंदर से पक चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। लॉलीपॉप बनाने के लिए हमने आधा किलो लॉलीपॉप लिया है। अब इन्हें हम एक बाउल में ले लेंगे। इसमें अब हम एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी का पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच चिकन मसाला, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा फूड कलर, ताकि लॉलीपॉप बनने के बाद अच्छे से लाल कलर में दिखने लगे। और इन सारी चीज़ों को हम सूखे में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। मसालों को हमने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा सूखा हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जाए। मसाले हमने अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम आधा घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक बाउल में हम एक कप मकई का आटा लेंगे, एक कप मैदे का आटा, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, एक चम्मच नमक, दो चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, दो चम्मच धनिया का पाउडर, एक चम्मच चिकन मसाला और थोड़ा सा फूड कलर। अब इन्हें हम सूखे में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम एक अंडा डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और चिकन लॉलीपॉप का बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब फ्लेम पे हमने कढ़ाई रख दिया है और उसमें तेल भी डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन विंग लेंगे और इसे इस तरह से बैटर में डुबा के तेल में छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे लॉलीपॉप बैटर में डुबा कर तेल में छोड़ देना है। अब इन लॉलीपॉप को हम 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे और बीच बीच में हमें इन्हें मिक्स करते रहना है ताकि चारों ओर से अच्छे से पक जाए।
चिकन लॉलीपॉप अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इन्हें हम तेल में से निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिएगा इसे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।